हथियानी जोहार यात्रा के क्रम में आगामी 16 दिसंबर को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक सम्मेलन के माध्यम से मंच को संबोधित करेंगे। इसी क्रम में शायद मुख्यमंत्री देवघर में चल रहे विभिन्न विकास योजनाओं की आधारशिला या उद्घाटन करेंगे। संभावना जताई जा रही है कि देवीपुर में नवनिर्मित प्लास्टिक पार्क का उद्घाटन कर सकते हैं। उद्घाटन की संभावना को देखते हुए गुर्दा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने रविवार को प्लास्टिक पार्क का निरीक्षण किया। बता दें कि देवघर में बने प्लास्टिक पार्क का शिलान्यास निशिकांत दुबे ने ही किया था। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये प्लास्टिक पार्क भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और भारत सरकार ने जब तय किया कि 8 या 10 जगह पर प्लास्टिक पार्क बनाना है तो आज भी मुझे माननीय अनंत कुमार जी की बहुत याद आती है कि अपनी डेथ के पहले उन्होंने जिस बारे में कि अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मतलब आजकल तो सारी चीज़ें गूगल पर मौजूद हैं या यूट्यूब पर मौजूद हैं, अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने इसी देवघर के प्लास्टिक पार्क के लिए किया था कि देवघर का प्लास्टिक पार्क हमने अलॉट किया है और यदि सरकार राज्य सरकार हमको ज़मीन दे दे तो हम प्लास्टिक इंजीनियरिंग की भी यहाँ सीबेट की जो है पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। तो खैर राज्य सरकार कितना करती है आपको ये पता ही है। ये ज़मीन रघुवर दास जी की जब सरकार थी तो अलॉट हो गया। अलॉटमेंट के बाद यहाँ के स्थानीय लोगों ने जिन्होंने पैसे ले लिए थे ज़मीन देने को फिर भी तैयार नहीं थे, आपको पता है कि किस तरह से यह दबाव डालकर यह ज़मीन घेरा गया। तो ये पूरा का पूरा माननीय प्रधानमंत्री जी जो पिछड़े क्षेत्रों में विकास करना चाहते हैं और वहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार देना चाहते हैं उसमें एक बड़ा कदम है। इस प्लास्टिक पार्क में लगभग 84 एकड़ के आसपास लैंड है। अभी इसकी बीडिंग चल रही है। जो मेरी जानकारी आ रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रस्तावित, क्योंकि संथालपुरा में केवल 2 ही जिला है, 4 जिला तो अब है नहीं, गोड्डा और देवघर, जो उनका प्रस्तावित दौरा है उसमें शायद इसका वो उद्घाटन करने वाले हैं। तो इस प्रोजेक्ट का आपको पता है कि शिलान्यास मैंने और यहाँ के स्थानीय विधायक माननीय नारायण दास जी ने किया था। तो करें, वो मुख्यमंत्री हैं, कोई भी शिलान्यास कर सकते हैं, कोई भी उद्घाटन कर सकते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है कि 111 प्लॉट का ऑक्शन दिसंबर में शायद ये पूरा हो जाएगा और उसमें प्लास्टिक से बनने वाली जितनी वस्तुएं हैं वो सब यहाँ बनेंगी। ये डेडिकेटेड प्लास्टिक का पार्क होगा और इसमें मिनिमम प्रत्यक्ष तौर पर 10,000 लोगों को नौकरी मिलेगी। 111 यूनिट में 10,000 लोगों को नौकरी मिलेगी और अप्रत्यक्ष तौर पर मुझे लगता है कि कम से कम इसमें 1,00,000 लोग खपेंगे। ट्रक वाले होंगे, मार्केटिंग वाले होंगे, दुकान वाले होंगे जो इस प्लास्टिक के प्रोडक्ट को बेचेंगे। तो अडानी के बाद, अडानी झारखंड बनने के बाद, अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।